नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीराम बघेल। लक्ष्य कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10वीं। क्या कक्षा 10वीं की विलोपन विधि दोस्तों। ये विलोपन विधि दोस्तों अपने को जो दो चर वाले समीकरणों को सॉल्व करने के लिए इसमें मान ज्ञात कर दोस्तों x और y के, तो उनके लिए अपने को क्या बहुत अच्छी विलोपन विधि है दोस्तों, और एक कक्षा 10वीं को बहुत इंपॉर्टेंट विधि हो गई दोस्तों। कक्षा 10वीं दोस्तों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता दोस्तों, से विलोपन विधि से। अगर दोस्तों आप लोग अच्छी तो अच्छे तरह से इसको पढ़ लोगे दोस्तों, ये अभी फिलहाल जो व्यापम का पैटर्न चल रहा दोस्तों, वहां पर भी इस विधि से क्वेश्चन पूछ रहे दोस्तों, कौन सा विलोपन विधि से। तो आप लोग क्या कक्षा 10वीं की विधि तो कक्षा 10वीं की, लेकिन अपने को व्यापम में काम आएगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब अपन देखेंगे कौन सी विलोपन विधि। विलोपन विधि का मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रहा है दोस्तों, x + y = 14। दोस्तों इसको समीकरण एक नाम दे दो, फिर एक क्या है x माइनस y बराबर 4, इसको समीकरण दो दे दो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, तो विलोपन विधि मतलब विलोपित करना, मतलब यहाँ पे क्या जो अचर संख्या है और चर संख्या है, तो उसमें चर संख्या क्या अपने को गायब करना, विलोपित मतलब गायब करना दोस्तों। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे दो समीकरण है, तो सबसे पहले देखो दोस्तों यहाँ पे पहले पद यहाँ पर क्या समान है क्या, तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे इनको या तो जोड़ लो या घटा लो। क्या करें दोस्तों, या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसको अपन इधर कक्षा 10वीं के माध्यम से देखा जाए, क्या करेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समझ आए दोस्तों। तो समीकरण एक क्या अपने पास x + y = 14, x - y = 4। अब क्या बोला दोस्तों घटाने पे, तो अपन ये बड़ा घटाओ कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों चिन्ह क्या चेंज हो जाएगा, प्लस का दिया माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का क्या प्लस का ये माइनस का। देखो दोस्तों घटाने पे क्या कट गई, और ये प्लस का y और प्लस का y कितना हो गया 2y बराबर, यहाँ पे घटाओ दोस्तों कितना बचा 10। अब ध्यान दें दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे ये 2, तो y बराबर कितना 2 5 10, मतलब y का मान कितना है दोस्तों 5। अपने इसका मान निकाल लिया y का मान। अब बात करो दोस्तों क्या करेंगे कि y का मान कहां पर रखते हो, किसी भी x समीकरण में रखते हो दोस्तों, तो किसका मान निकल जाएगा x का मान। तो y का मान समीकरण एक में रख लिया। तो समीकरण क्या है दोस्तों, देखो x + y = 14। तो देखो दोस्तों x + y का मान कितना है 5, यहां पे 5 रख दो बराबर 14। अब क्या करेंगे दोस्तों एक सर, अब 5 को बराबर को शेयर ले जाओ तो बराबर 14 माइनस 5, तो एक से बराबर कितना आएगा दोस्तों 9। तो ये लिए दोस्तों एक सौ भाई के मान आएंगे, समझ आएगा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा। दोस्तों ये अपन कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा ले आए हैं, अब ध्यान दें दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक सौ प्लस वाई बराबर कितना 5, इसको समीकरण एक नाम दे दो, फिर क्या दे रहेगा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको समीकरण दो नाम दे दो। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे पहला लेटर समान है क्या, नहीं है ना दोस्तों, तो क्या करेंगे अपन सबसे पहले पहला लेटर समान करो, सेकंड वाला लेटर समान करो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर क्या 2x और यहाँ पर क्या x है, तो अपन इस समीकरण एक में क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण एक में दो का गुणा करने पर, क्या कहते हो समीकरण एक में दो का गुणा करने पर, समीकरण क्या है दोस्तों x + y = 5, इस पूरे में से गुणा करेंगे दोस्तों दो का, खरे देखो 2x + 2y = 5 गुना 10, इसको समीकरण कितना दे दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण दो और समीकरण तीन को देखो दोस्तों, पहला पद समान आ गया, तो क्या कहेंगे दोस्तों समीकरण तीन में से समीकरण दो को घटाने पर। तो दोस्तों अपन देखते हैं समीकरण दो तीन क्या अपने पास 2x + 2y = 10, और समीकरण दो क्या है 2x - 3y = 4। अब क्या है दोस्तों घटाने पे बोल रहा है, तो क्या चिन्ह देखो दोस्तों ये प्लस माइनस का हो जाए, देखो ये बड़ा घटाओ कि यहां पे प्लस का चिन्ह रूप क्या हो जाए, तो माइनस, अब ये माइनस से निकल गया प्लस, ये प्लस चिन्ह माइनस, देखो दोस्तों ये संख्या कट गई। अब ये प्लस का 3y और प्लस का 2 कितना हो गया 5y बराबर, घटाओ दोस्तों कितना हो गया
समझ में तो तुम्हारी बराबर क्या हो जाएगा 6/5 23 का मान है दोस्तों वही का मान। अब क्या करें दोस्तों वही का मान कहां पे किसी समीकरण एक करो किसी में रखो तो क्या करें किसी में रखते समीकरण एक में वही का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है दोस्तों x प्लस वाई बराबर 5 तो क्या करेंगे x प्लस वाई का मान कितना आ गया 6/5 बराबर 5 तो क्या करेंगे दोस्तों अपन x बराबर इसको 6/5 को बराबर से कर क्या 5 माइनस 6/5 अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लो कैसे सॉल्व करेंगे यही है दोस्तों हां इसको बराबर से करें तो 5/25 कितना हो जाएगा दोस्तों 5/25 माइनस 6/5 तो घटा लो दोस्तों कितना आ गया 19/5 ये किसका मान है दोस्तों x का मान है x का मान कितना आ गया 19/5 समझ में आया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं दोस्तों अपने कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है दोस्तों s माइनस t बराबर 3 इसको दोस्तों क्या समीकरण एक नाम दे दो और इधर क्या दे रखा दोस्तों अपने पास। अब दोस्तों बटे के फॉर्म में सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों तो कैसे सॉल्व करोगे हर बार इसे नहीं एलसीएम ले लो इसमें कितना जाएगा 6 अब इस 3 का भाग इसमें तो कितनी बार जाएगा 2 बार उस 2 का ऊपर गुणा कर दो कितना 2s हो गया प्लस 2 का भाग दोस्तों कितनी बार जाएगा 3 बार 3 का ऊपर गुणा करो कितना 3t हो गया बराबर कितना दोस्तों 6 इसको एक बार आगे कर देते हैं दोस्तों 2s प्लस 3t अब 6 का डायरेक्ट इधर गुणा हो जाए दोस्तों 3 गुणा हो जाए 1 का इधर इसका इधर कितना 36 तो ये क्या दोस्तों अपनी समीकरण क्लियर है। अब क्या करें दोस्तों समीकरण है क्या हमने समीकरण एक में कितने s माइनस t बराबर 3 और समीकरण दो 2s प्लस 3t मतलब समीकरण एक में हम किस तरह दो का गुणा कर सकते हैं तब जाके पहला मान बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे समीकरण एक में दो का समीकरण क्या दोस्तों s माइनस t बराबर 3 किसका गुणा करेंगे दोस्तों 3 का 2 देखो 2s माइनस 2t बराबर 6 इसको देख रहा हूं दोस्तों समीकरण 3। अब क्या करें दोस्तों समीकरण 2 और 3 का कंपैरिजन कर लेना या तो जोड़ लेना या घटा लेना क्या करें दोस्तों समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने दोस्तों घटाने तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों 2s माइनस 2t बराबर 6 समीकरण 3 क्या है 2s प्लस 3t बराबर 36 देखो दोस्तों क्या करें घटा दें ये चिन्ह क्या है माइनस ये माइनस प्लस का माइनस और ये फिर प्लस का माइनस क्या करें दोस्तों ये माइनस माइनस से क्या कितना हो जाएगी माइनस 5t बराबर यहाँ पे देखो दोस्तों ये माइनस का 36 और प्लस का 6 तो क्या हो जाएगा माइनस का 30 देखो दोस्तों माइनस से माइनस कट गया टी बराबर क्या हो जाएगा 30/5 मतलब टी बराबर कितना 5/6 30 मतलब टी का मान कितना है दोस्तों 6 ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे टी का मान किसी भी एक समीकरण समीकरण एक में रखते हैं टी का मान समीकरण एक में रखने समीकरण एक है दोस्तों s माइनस t बराबर 3 अब दोस्तों देखो s माइनस t का मान कितना है 6 यहां पे 6 रख दो बराबर 3 तो s इसको बराबर से पहुंचा दो कितना हो जाए 3 ये माइनस से तो जाके प्लस का 6 तो s बराबर कितना है दोस्तों 9 ये आ गए इतने s के मान समझ में आया दोस्तों आपको ये कौन सी विधि थी दोस्तों विलोपन विधि। तो दोस्तों आप लोग आने वाले आगे बहुत सारे क्वेश्चन इसके लगा सकते हैं इस विधि से तो ये 10वीं की क्या बहुत इंपॉर्टेंट विधि होगी दोस्तों अगर आपने ये विधि अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों तो आपके 5 से 10 नंबर नहीं गए दोस्तों एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं इसके। और दोस्तों अगर जो बच्चे 10वीं के देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे व्याकरण वाले इसको देख रहे हैं दोस्तों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि व्यापक में ये टॉपिक दोस्तों दो चर रैखिक समीकरण में आ रहा है दोस्तों अगर आप लोगों कभी पढ़ा हो तो ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों इसको लाइक करना दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ठीक है दोस्तों आज की क्लास हम यही करते हैं जय हिंद दोस्तों।